दोस्तों, क्या आपको पता है जापान पूरे विश्व का 0.25% एरिया कवर करता है और यहाँ पर लगभग 18% भूकंप आते हैं, यानी हर साल 2000 भूकंप। सारे भूकंप इतने बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जापान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। इसको समझने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स का। देखो, जहां हम लोग रहते हैं अर्थ का सबसे ऊपरी वाला भाग, उसको बोलते हैं क्रस्ट। अभी इस क्रस्ट में बहुत सारी प्लेटें हैं जो हमेशा तैरती रहती हैं। अगर ये तैरेंगी तो तीन तरीके से लड़ेंगी। अगर विपरीत दिशा में घिसते हुए निकल जाएंगी उसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अगर एक दूसरे में घुस जाएंगी तो उसे कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर एक दूसरे से दूर हटेंगी तो उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। अभी जापान के केस में चार प्लेटें हैं, पैसिफिक प्लेट, फिलिपिन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये चारों प्लेटों का आपस में कन्वर्जेंट हो रहा है और जापान इस लोकेशन पे लोकेटेड है, और यही इस प्रॉब्लम की मेन जड़ है।